मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्रहण करेंगे सदस्यता। प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा सदस्यता दिलाएंगे, कई और मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे, सदस्यता लेंगे। तो क्योंकि एक बड़े स्तर पर इस अभियान को लेकर जाना है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत करेंगे सदस्यता लेने की, ग्रहण करने की। और ठीक इसी तरह इसी सिलसिले में कई और मंत्रियों को भी आप देखेंगे जब वो सदस्यता लेंगे। कई लाखों लोगों को बीजेपी जोड़ रही है अपने साथ और ऐसे में सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा को दी गई है और साथ ही प्रदेश के प्रभारी की भी ये जिम्मेदारी है सदस्यता ग्रहण कराने की, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुनबा बढ़ाने की पार्टी की। और हर लेवल पर, बूथ स्तर पर जो है कार्य किया जा रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी आज से ही बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सदस्यता दिलाएंगे। 31 अक्टूबर तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। 5 संभाग के 35 जिलों में 4 सितंबर से होगी अभियान की शुरुआत। 405 मंडलों में 6 सितंबर को होगी सदस्यता अभियान की शुरुआत। तो वहीं सांसदों को 20,000 और विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदस्यता अभियान को जोर देने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इसमें अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है, जहां सांसदों को 20,000 और विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और सीएम साय खुद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। वहीं 31 अक्टूबर तक ये पूरा अभियान चलने वाला है। 5 संभाग के 35 जिलों में 4 सितंबर से अभियान की शुरुआत होगी। और सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी और भोपाल से वासु चौरे जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो युगल आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है और आज मुख्यमंत्री खुद बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए 6 साल बाद बीजेपी की जो सदस्यता है वो शिथिल हो जाती है, फिर से नए सदस्य बनाए जाते हैं। अलग अलग जो इनकी जो बीजेपी की जो धड़े हैं, इकाइयां हैं, जो प्रकोष्ठ हैं, उनको जवाबदारी सौंपी गई है, चाहे वो युवा प्रकोष्ठ हो या फिर अन्य प्रकोष्ठ, आज सभी को जवाबदारी सौंपी गई है। आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा अभियान चलेगा सदस्यता अभियान को लेकर। यहाँ पर विष्णुदेव साय है, उसे पहले सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ के जो किरण सिंह देव भंज हैं, वो किरण सिंह देव हैं, वो सदस्यता अभियान के तहत उन्हें सदस्य है वो बनाएंगे। इसी तरह पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम है सदस्यता अभियान का बीजेपी का, वो चलेगा। सांसद विधायक के साथ साथ जितने भी पदाधिकारी हैं अहम पदों पर बीजेपी के लोग जो हैं उन्हें उनका टारगेट है वो सौंप दिया गया है। स्कूल कॉलेज से लेकर के तमाम जहां पर जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष के अधिक हो चुके हैं उन्हें सदस्यता अभियान है वो दिलाया जाएगा। इसके अलावा पूरी तरह से इस अभियान को मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग जो जवाबदारी है वो सौंपी गई है। सदस्यता अभियान के जो प्रमुख हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा टास्क है बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों को दिया गया है। जी बिल्कुल। और वासु, सदस्यता अभियान इसलिए भी बहुत खास होगा क्योंकि इससे जो स्पष्टता है वो दिखाई देती है कि कितने लोग आपकी पार्टी के साथ हैं या पार्टी के प्रेमी कितने हैं जो सदस्यता लेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का बड़ा सदस्यता अभियान कल से शुरू हो गया। कल सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। ये कहें कि बीजेपी की सदस्यता को रिन्यू कराया, क्योंकि बीजेपी का जो संविधान है उसके अनुसार हर 6 साल में सदस्यता को रिन्यू कराना होता है। अब वही अभियान की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में भी होगी। दोपहर 2 बजे सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सदस्यता लेंगे और उनके साथ ही पूरे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो सदस्यता लेंगे और फिर मध्य प्रदेश के जो 65,000 बूथ हैं सभी बूथों पर सदस्यता अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। हर बूथ पर बीजेपी
बीजेपी ने 200 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का टारगेट सेट कर रखा है, यानी कि देश भर में जो 10 करोड़ सदस्य बनाए जाने उसमें से 1.5 करोड़ सदस्य जो है वो मध्य प्रदेश बनाए जाएंगे और आने वाले कई हफ्तों तक ये जो पूरा अभियान है वो इसी तरह से अनवरत जारी रहने वाला है। बीजेपी लगातार अपने कैडर पर काम करने वाली पार्टी है, अपने कैडर को मजबूत करने वाली पार्टी है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक कई सफलताएं मिली हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और फिर उपचुनाव की बात करें तो एक बड़ा अभियान जो है वो बीजेपी ने आज से शुरू किया है और इसके लिए कई तरीके के ऐप्स जो है वो बीजेपी डिजिटल माध्यम से भी सदस्यता कराने जा रही है। नमो ऐप के माध्यम से सदस्यता होगी, bjp.org जो वेबसाइट है उसके माध्यम से सदस्यता की जा सकेगी, इसके साथ ही हाथ से लिखी हुई पर्चियों के माध्यम से भी जो सदस्यता है वो होगी और बारकोड भी बीजेपी ने जारी किया है जिसको स्कैन करते ही जो बीजेपी का सदस्यता फॉर्म है वो खुल जाएगा और उसके तहत भी सदस्यता जो है वो की जा सकती है, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल और उसके अलावा पर्ची वाला पारंपरिक सिस्टम भी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल और वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में जांच टीम पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जांच टीम को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया। परिजनों ने जांच टीम से नाराजगी भी जताई है, ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटी है टीम। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विरोध जाहिर किया गया है, बच्चों की मौत के मामले की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। दरअसल टीका लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी और इनमें से कई बच्चों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक भी थी जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया और इसी मौत के बाद से हड़कंप जैसी स्थिति थी, ग्रामीण लगातार विरोध जता रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में जब जांच टीम पहुंची ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, उनका गुस्सा शांत करने के लिए, तो ग्रामीण और ज्यादा उग्र हो गए। जांच टीम को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया और उल्टे पैर जांच टीम को वापस आना पड़ा, ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। टीकाकरण में 2 बच्चों की मौत के बाद से मामला काफी गर्माया हुआ है और अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को फिल्म इमरजेंसी के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और इसके अलावा मणिकर्णिका प्रोडक्शन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेंसर बोर्ड समेत इससे जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने जनहित याचिका दायर कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि कोविड काल के दौरान हमने देखा है कि सिख कम्युनिटी ने आगे आकर सेवा की है, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और इस पर आज फिर सुनवाई होने वाली है।